उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में रेलवे ने तत्काल टिकट के लिए सुबह 10 से एसी और 11 बजे से स्लीपर का समय तय किया है, लेकिन इस दौरान आईआरसीटीसी की साइट को ब्रेक कर दिया जाता है। इस कारण लोग अपने आईडी से टिकट की बुकिंग नहीं कर पाते। इधर रेलवे के आरक्षण काउंटर से बनने वाला रिजर्वेशन टिकट भी कंफर्म नहीं हो रहा। रेलवे ऑनलाइन रिजर्वेशन टिकट की क्षमता 7200 प्रति मिनट करने का दावा तो करता है, लेकिन ये दावा आम लोगों के लिए नहीं दिखता। लॉगिन करते ही प्रक्रिया तेजी से पूरी होने लगती है। लोग रात से लेकर सुबह 10 बजे तक आरक्षण केंद्रों का तत्काल काउंटर खुलने तक कतार लगा कर खड़े रहते हैं, लेकिन दूसरे और तीसरे नंबर पर खड़े लोगों के हाथ में वेटिंग टिकट ही मिल पाती है। गोरखपुर के यात्रियों के अनुसार, हमें जब भी ऑनलाइन टिकट बुक कराना होता है तो तत्काल टिकट बुक ही नहीं हो पाता, चाहे वो घर से टिकट बुक कराएं या फिर आरक्षण केंद्र जाकर। टिकट वेटिंग ही मिलता है, जबकि 500 से 1000 रुपए तक आरक्षण केंद्र के बाहर के दलालों को देने पर पूरे देश में कहीं का भी कंफर्म टिकट उनके हाथ में पहुंच जाता है। वहीं रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि तत्काल टिकट हर आम आदमी को मुहैया कराने के लिए रेलवे पूरी तरह से काम कर रही है और दलालों के अंकुश को खत्म कर आम लोगों की सुविधा के लिए तत्काल टिकट को मुहैया कराया जा रहा है। सर, तत्काल टिकट तो मिलता नहीं हमको, मतलब बट अगर बाहर जाते हैं यही दलाल से लेते हैं तो हमको 1000-1500 देना एक्स्ट्रा देना पड़ता तो मिल जाता है, लेकिन बुकिंग से लेना पड़ता तो नहीं मिलता हमको। 2-3-4 दिन चक्कर लगा, मिलता नहीं हमको। वो बहुत ज्यादा है, लोगों को बहुत ज्यादा लोग डिमांड करते हैं और उतनी बर्थ अवेलेबिलिटी है नहीं, तो इसी कारण से तत्काल पर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर है और बहुत जल्दी जो है तत्काल सुबह काउंटर खुलने के तुरंत बाद ही जो है तत्काल की सारी टिकट बुक हो जाती है। ऐसे में बहुत सारे जो यात्री हैं उनको जो है हम लोग टिकट तत्काल का टिकट नहीं दे पाते हैं। गोरखपुर से जनमत न्यूज़ के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट।